पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको मालिक कुआं पर बाला उस्ताद व्यायामशाला के बनाए गए पंडाल के दर्शन करा देते हैं। प्रत्येक वर्ष ये भी नई थीम लाते हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा ये लेकर आते हैं और बहुत ही सुंदर सजावट करते हैं। सजावट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा खर्चा, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। दरअसल खंडवा में दादा जी धूनी वाले की नगरी में भगवान गणपति बप्पा की प्रति जो श्रद्धा है वो अपार है और इसमें आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही बड़े विशाल यहाँ पर गणपति बप्पा बैठे हैं। खंडवा में एक बड़ा बम जिसे खंडवा का राजा कहा जाता है, एक पड़ावा माली कुआं और माता चौक सहित कई ऐसी और जगहें जहां पर बहुत विशाल काय गणपति बप्पा विराजते हैं और आप देख सकते हैं माताएं बहनें गणपति बप्पा के दर्शन करने आ रहे हैं और युवा गणपति बप्पा के आगे खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने भी गणपति बप्पा के आगे बहुत ही क्यूट स्माइल लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। छोटे छोटे बालक आपको दिखाई दे रहे हैं और माली कुआं के गणपति बप्पा हैं। चलिए प्रयास करते हैं जो इसके आयोजक हैं उनसे बात कराएंगे आपकी। सेल्फी पॉइंट्स भी जगह जगह बनाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर माताएं बहनें परिवार के परिवार आकर सेल्फी खिंचवाते हैं और फिर बप्पा के साथ फोटो शेयर भी करते हैं। किस समिति ने इस गणपति बप्पा को विराजित कराया, बहुत सुंदर। पहली बात तो ये, सभी को जयराम जी की, सबको गणेश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जो बाला उस्ताद व्यायामशाला गणेश मंडल मालिकवा चौक ने जो मूर्ति बिठाई है, अगली बार जैसे हमने नवग्रह बिठाए थे, इस बार हमने लाल बाग के राजा है जो वो हमारी पैटर्न मूर्ति है। और इस बार में जो पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, सांवरिया सेठ राजस्थान में जो बने हुए हैं उसका बैकआउट बना हुआ है और वो हमारा केंद्र का प्रतीक है। और जो आप पंडाल ये देख रहे हैं, ये पंडाल में जो कपड़ा लगा हुआ है ये आकर्षक का केंद्र है, ये जयपुर से स्पेशल बुलाया गया है। और जो आप मूर्ति में आप जो देख रहे हो कलर वगैरह, और जो मूर्ति में जो बना हुआ है जो आपको दिख रहा है धोती और वेलवेट, ये वेलवेट हमने राजस्थान से, अपना एक गांव पड़ता है वहाँ से, उनकी पसंद से बुलाया गया है। और कलर में स्पेशल बुरहानपुर के कारीगर वेद एंड संस के हमारे काका जी, जिनका नाम है वो अपना वेद एंड संस के अतुल भैया करके है वो, अनंत वेद जिसने हमारी मूर्ति को कम्प्लीट किया है। वो कलर करने जो भैया आए थे उनके लड़के सोनू भैया की उसमें एक दो मेन योगदान रहा है। और बाला उस्ताद व्यायामशाला के मेन हमारे प्रमुख मुन्ना यादव जी एवं राजू दादा एवं पापा दादा एवं पूरी समस्त टीम बाला काका और जो भी हमारे जितने व्यायामशाला बाला उस्ताद व्यायामशाला के जितने भी सब कार्यकर्ता हैं सबका मेन सहयोग है इसमें। और धर्मवीर जनता से भी अनुरोध है, आप आइए विशेष झांकी को देखने के लिए, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। मालिक को आम व्यायामशाला आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती है। मेरा नाम विशाल यादव। तो सुना आपने कितनी मेहनत पंडाल को बनाने में, स्पेशल डिज़ाइन राजस्थान से कारीगर बुलाए, राजस्थान के लोगों को बुलाया, स्पेशल अलग अलग जगह से गणपति बप्पा के जो ऑर्नामेंट्स हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं, चाहे उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, चाहे जो ज्वेलरी पहन रखी है, वो सब चीज़ इन्होंने अलग अलग जगह से बुलाई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि गणपति बप्पा के प्रति कितनी अपार श्रद्धा खंडवा के लोगों में मौजूद है और खंडवा के नागरिक गणपति बप्पा के दर्शन करने अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। आप भी नहीं हैं अभी तक घरों से नहीं निकले तो गणपति बप्पा के दर्शन करने जरूर निकलिए। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।